हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधे श्याम है और पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि ट्रांसपोर्ट से अलाउंस था। ये दूसरा एक वीडियो बना रहा हूँ जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी। जैसा कि सभी को मालूम है कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी ये भी रेलवे एम्प्लॉयज एज वेल एज सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के काम का सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बना दूंगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है काफी पहले से इसका पेमेंट हो रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है 83-84 यानी फोर्ड पे कमीशन से पेमेंट की सर्कुलर मेरे पास अवेलेबल है, इसके पहले के मुझे आइडिया नहीं। तो तब 83-84 में जो पेमेंट था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का वो काफी छोटा अमाउंट था, करीब 20 रुपये, 350 रुपये, और हॉस्टल सब्सिडी भी करीब इतना ही था। उसके बाद सिक्स पे कमीशन के ऊपर फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी, इसके रेट काफ़ी बढ़ा दिए और करीब 1200 के आसपास पर ईयर कर दिया था चिल्ड्रन। सिक्स पीसी के बाद से इसकी एक इम्पोर्टेंस भी बन गई थी अलाउंस की। इससे पहले कई लोग क्लेम करते थे, क्लेम नहीं करते थे, काफ़ी छोटा अमाउंट था, क्लेम भी नहीं करते थे, लेकिन इसके बाद अभी इम्पोर्टेंस पड़ गई और वो सिक्स पे कमीशन में अमाउंट बढ़ाने के साथ कई टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया था। फॉर एग्जाम्पल कि ट्यूशन फीस वाले अलग, प्लस सर्टेन आइटम्स के लिए अलग अलग मिलता था आपको, और उसको बिल्स जमा करने पड़ते थे। इसके अलावा कई भी चीज़ें जो है वो मिलती थी, कई नहीं मिलती थी। लोगों को नहीं समझ होता था कि किसके लिए क्लेम करना है, किसके लिए क्लेम। सेवन पीसी आने के बाद मैं इसको लिबरलाइज किया और एक बहुत अच्छा काम किया है कि सरकार ने बोला है कि अभी कोई भी हमको बिल देने की जरूरत नहीं है और सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए कि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। तो सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी काफ़ी सारी वो काफ़ी कम कर दी है। सेवन पीसी ने भी जो लेटर्स निकाले थे, लास्ट में जो एक लेटर निकाला है जो रेलवे बोर्ड ने, वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के सारे सर्कुलर को क्लब करके एक मास्टर सर्कुलर बनाया जिसका नंबर रखा 17। और इस सर्कुलर में सभी सर्कुलर के जो भी जिस्ट था, मेन मेन जो बातें थी वो डाल दिया इसके अंदर। और साथ में ये कहा गया है कि जो सभी सर्कुलर है, ये जो सर्कुलर है वो इन सुपर सेशन ऑफ अर्लियर सर्कुलर, यानी कि पहले जितने सर्कुलर है उनको सुपर सेशन कहा गया है, वह मान्य नहीं है। अब ये जो सर्कुलर में इसमें जो बात कही गई है वही मान्य होगी। तो अब जो भी पेमेंट होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी वो इसी सर्कुलर के ऊपर बेस्ड होगा और इसी सर्कुलर में ध्यान में रखते ही हमको क्लेम करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को पेमेंट करना है। मैं जरा इस सर्कुलर का दोबारा बता दूं, ये रेलवे बोर्ड से 22-8-19 को जारी हुआ मास्टर सर्कुलर नंबर 17। इसमें फिर भी पढ़ के सुना देता हूं मैं कि यहाँ के लिए लिखा हुआ पर्सुएंट टू द रिकमेंडेशन ऑफ सेवन पे कमीशन, द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन यानी डीओपीटी ने कंसर्न इंस्ट्रक्शन निकाले थे 16 जुलाई 2018 को। इसमें लिखा गया था कि इन सुपर सेशन ऑफ अर्ली इंस्ट्रक्शन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन टू द गवर्नर सेक्टर, यानी इन सुपर सेशन ऑफ अर्ली जितने सर्कुलर थे उनको सुपर सेट कर दिया। और ये सर्कुलर सबसे पहले डीओपीटी निकाला क्योंकि डीओपीटी के ऊपर रेलवे बोर्ड ने बोला है कि ये सर्कुलर जो है पूरा रेलवे पर भी सेम टू सेम लागू होगा। इसको रेलवे बोर्ड ने आरबी नंबर 114/18 से निकाला था, लेकिन अब उसको दोबारा एक मास्टर सर्कुलर के फॉर्म में निकाला हुआ है। तो मैं समझ कहना चाहूंगा कि हम इस मास्टर सर्कुलर को ही फॉलो करें और इसमें जो आते हैं मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले समझाने से पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो मैं समझा रहा हूँ ये सिर्फ मेरा एक व्यक्तिगत इंटरप्रिटेशन समझ है, व्यक्तिगत राय है। इसका ऑफिशियल तौर पर मैं कुछ क्लेम नहीं करना चाहूंगा। अगर किसी को फिर भी डाउट है या मेरी बात से एग्री नहीं करता है तो वो ऑफिशियल तौर पर उसको कंफर्मेशन कर सकता है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ लोगों को समझाने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है कि द रिइंबर्समेंट ऑफ सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पब्लिक हॉस्टल सब्सिडी कैन बी क्लेम ओनली फॉर द टू एल्डेस्ट सर्वाइंग चिल्ड्रन विद द एक्सेप्शन दैट इन केस ऑफ सेकेंड चाइल्ड बर्थ रिजल्ट इन ट्विन्स ऑब्लिक मल्टीपल बर्थ, यानी कि ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ये कर्मचारी की दो जीवित सबसे बड़े बच्चों को ही मिलेगा। जीवित बच्चे या सर्विंग चिल्ड्रन में लोग कन्फ्यूज होते हैं, कई बार ऐसा भी केस मामले में आया है कि किसी के चार बच्चे हैं,
बड़े बच्चे की शादी हो गई, अलग चले गए, अब दो बच्चे घर में हैं, लोग बोलते हैं सर, या फिर उन्होंने क्लेम नहीं किया दो बड़े बच्चों का, वैसा बोलते सर हम तो ये धोखे क्लेम कर रहे हैं, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है। किसी भी व्यक्ति के जो जीवित बच्चे हैं, जिंदा हैं, चाहे वो घर में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, शादी हो गया है, जो सबसे जो बड़े जो जीवित बच्चे हैं उन्हीं के लिए ही ये चल रहे हैं, जो अलाउंस हॉस्टल सबसे मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर एक मामला है जिसमें अगर सेकेंड जो बर्थ होता है एक बच्चे की वजह दूसरे बर्थ में, दूसरे बर्थ में अगर मल्टीपल बच्चे होते हैं या ट्विंस या से ज्यादा होते हैं, तो सभी बच्चों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, वहाँ दो से ज्यादा की कंडीशन, दो की कंडीशन लागू नहीं होती, दो से ज्यादा को मिलेगा। साथ ही अगर स्टेरलाइजेशन ऑपरेशन फेल होता है उसकी वजह से भी अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। तो मैं इसको एक बार क्लियर कर दूँ कि केवल दो जीवित बच्चे, बड़े जीवित जो बड़े बच्चे हैं उनको ही मिलेगा। सेकेंड जो बी पॉइंट है उसमें अमाउंट बताया है कि जो रिइम्बर्समेंट है सीए का वो है 2,250 पर मंथ फिक्स अमाउंट है। उसमें कहा गया है दिस अमाउंट टू 2,250 इज फिक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी ये जो 2,250 रुपये ये फिक्स है, बशर्त मतलब इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि कर्मचारी ने इतना एक्सपेंड किया नहीं है, इससे ज़्यादा भी किया हो सकता है, कम भी किया हो सकता है, उसको हम फिक्स अमाउंट दे देंगे 2,250। इन ऑर्डर टू क्लेम रिइम्बर्समेंट ऑफ सीए द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द पीरियड फॉर द पीरियड ऑब्लिक ईयर फॉर विच क्लेम हैज बीन प्रोवाइडेड। इसमें सिर्फ इतना करना पड़ेगा कर्मचारी को कि वो जो यहाँ बच्चा पढ़ता है उस इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा कि जिस साल के लिए, जिस अवधि के लिए जो क्लेम कर रहे हैं चिल्ड्रन स्टूडेंट कि बच्चा यहाँ इस स्कूल में पढ़ता था। द सर्टिफिकेट शुड कंफर्म दैट द चाइल्ड स्टडीड इन द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंट, मतलब वो सर्टिफिकेट कंफर्म करेगा कि पिछले साल का जो क्लेम कर रहे हैं उस साल बच्चा वहाँ पढ़ता था। इन केस सच सर्टिफिकेट कैन नॉट बी ऑब्टेन, अगर किसी वजह से सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं किया गया तो ऐसी कंडीशन में जो है कर्मचारी चाहे तो सेल्फ सर्टिफिकेट दे सकता है कि भाई बच्चा पढ़ता है। सेल्फ सर्टिफिकेट किस पे होगा, रिपोर्ट कार्ड जो बच्चा पास होता है उस पे रिपोर्ट कार्ड के रूप में लिखता है, या जो हम फीस भरते हैं फीस भरी होगी सेल्फ रजिस्टर्ड फीस दे दें, इंक्लूडिंग आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन से भी कई लोग फीस भरते हैं, ई रिसिप्ट आती है, स्पेशली मैंने खुद ने भरा है केंद्रीय विद्यालय में ई रिसिप्ट आती है, तो अगर ऑनलाइन पेमेंट भरा हुआ है उसकी रिसिप्ट आती है तो उसके थ्रू भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अभी एक लॉकडाउन के दौरान कई सब लोगों संदेह आया लोगों को, कई लोगों से भी पूछा कि लॉकडाउन में स्कूल बंद है और कई बार एग्जाम भी शायद फाइनल एग्जाम नहीं हुआ और मार्कशीट नहीं दिया है तो एजुकेशन अलाउंस को पेमेंट कैसे होगा। तो ये पैरा काफी क्लियर करता है कि स्कूल हालांकि बंद है तो स्कूल का सर्टिफिकेट ना भी है तो हमारे हमने जो साल भर का फीस भरा है उसकी जो हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं रिसिप्ट हैं, और जिन्होंने ऑनलाइन भरा उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि उनका प्रिंट निकाल का और सब रजिस्ट्रेशन करके वो सबमिट कर दे, वो डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से सफिशियंट है और बच्चे को जो भी एजुकेशन अलाउंस का जो क्लेम है वो उसको मिल जाएगा। लास्ट में लिखा तो पीरियड ईयर मीन्स एकेडमिक ईयर दैट इज 12 मंथ, जो एकेडमिक ईयर माना जाएगा वो 12 महीने का माना जाएगा। सी पॉइंट है द अमाउंट ऑफ सीलिंग ऑफ हॉस्टल सब्सिडी इज 6,750 पर मंथ, जो हॉस्टल सब्सिडी का जो अमाउंट है वो पर मंथ 6,750 रुपये है। इसको क्लेम करने के लिए भी सेम सिमिलर सर्टिफिकेट बोला है, सिमिलर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कंफर्मिंग दैट द चाइल्ड स्टडी इन द स्कूल विद सफिशिएंट। इसके लिए सेम कहा गया है कि अगर एक सर्टिफिकेट स्कूल से या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा वो सफिशियंट रहेगा विथ एडिशनल। इसमें हाँ एक और एडिशनल रिक्वायरमेंट बोला है कि हॉस्टल सब्सिडी में आपको एक एडिशनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि लॉजिंग एंड बोर्डिंग इन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, मतलब उसके लिए कि भाई इसने बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए कितना खर्चा किया है उसके लिए एक एडिशनल सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा। और इसमें कहा गया है सेम बात कि इन केस सर्टिफिकेट कैन नॉट बी ऑब्टेन, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिपोर्ट कार्ड एंड ओरिजिनल फी रिसिप्ट और ई रिसिप्ट विच शुड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट टुवर्ड्स लॉजिंग एंड बोर्डिंग इन द रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कैन बी प्रोड्यूस फॉर क्लेमिंग हॉस्टल सब्सिडी। द एक्सपेंडिचर ऑन बोर्डिंग एंड लॉजिंग फॉर द सीलिंग ऑफ 6,000
50 एज मेंशन विच ऑफ द, इसमें थोड़ी सी बात हटके है। जो सीएस है, सीए में फिक्स अमाउंट मिलता है 2,250 रुपये। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, हॉस्टल में पढ़ रहा है, प्लस एक सर्टिफिकेट अगर स्कूल से इंस्टीट्यूशन से हम ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो सेल्फ अटेस्टेड जो रिसिप्ट देना पड़ेगा, और रिसिप्ट में अमाउंट दिखना चाहिए कि लॉजिंग एंड बोर्डिंग के लिए कितना अमाउंट पे किया गया है, और जो अमाउंट पे किया है वो और 6,750, इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा वही मिलेगा। इसमें फिक्स ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, हॉस्टल में रह रहा है और उसको पूरा पूरा मिल जाएगा। इसमें एक्चुअल अमाउंट या 6,750, इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा वही आपको दिया जाएगा। तीसरा इसमें डी पॉइंट है कि जो दिव्यांग चिल्ड्रन है, जिन कर्मचारियों के दिव्यांग चिल्ड्रन है, उसके लिए सीए का जो रिमबर्समेंट है वो डबल मिलता है, यानी कि 4,500 रुपये पर मंथ फिक्स कर दिया है इसमें, दिव्यांग चिल्ड्रन के डबल मिलता है। एक और बात कही ई में कि जो ये अमाउंट हमको मिल रहा है, ये जैसे ही हमारा डीए 50% से अबव हो जाएगा उस वक्त ये अमाउंट का जो राशि है वो 25% बढ़ा दी जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ा दी जाएगी। एफ पॉइंट बोल रहा है कि हॉस्टल सब्सिडी ऑन सीए कैन बी क्लेम कंकरेंटली, मतलब पहले जो थे नियम था 6 PC में, वो आइदर हॉस्टल सब्सिडी और सीए दोनों में से एक ही क्लेम किया जाता है, दोनों नहीं मिलता था। अब सरकार ने इसमें नियम में थोड़ा सा लिबर्टी दिखाई है और अब कहा है कि अब हॉस्टल सब्सिडी एंड सीए दोनों आप साथ में क्लेम कर सकते हैं, दोनों का आपका भुगतान किया जाएगा। जी पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि यदि जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों के दोनों अगर सरकारी कर्मचारी है, कोई रेलवे में है या दोनों रेलवे में है, या कोई रेलवे में है दूसरा उनके जो स्पाउस हैं वो सेंट्रल स्टेट में जहाँ पे भी है, और दोनों को अगर सीए के लिए एलिजिबल हैं, तो दोनों में से केवल एक ही सीए और हॉस्टल सब्सिडी के लिए रिमबर्समेंट का क्लेम कर सकता है, ये फैसिलिटी अवेल कर सकता है। एच है, द रिमबर्समेंट ऑफ सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी विल बी डन जस्ट वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल। इसमें कहा गया है कि जो सीए और हॉस्टल सब्सिडी है ये साल में एक ही बार क्लेम किया जाएगा और फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद किया जाएगा। हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को कंप्लीट होता है, ये सब जानते हैं। एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि क्लेम तो हम फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, लेकिन कई बच्चों की स्कूल का जो एकेडमिक ईयर होता है वो कई स्कूल में जैसे केंद्रीय विद्यालय में 31 मार्च को खत्म होकर 1 अप्रैल से चालू होता है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं अप्रैल में क्लेम करने के लिए। कई स्कूलों के एकेडमिक ईयर जो है वो मई में खत्म हो रहे हैं, कईयों के जून में खत्म हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आपका फाइनेंशियल खत्म होने के बाद आप एलिजिबल होते हैं इस पत्र के द्वारा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अगर एकेडमिक ईयर खत्म होगा उसके बाद ही क्लेम करना चाहिए, ताकि पूरे 1 साल का आपको हिसाब मिल पाए। आई है, हॉस्टल सब्सिडी इज एप्लीकेबल ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड स्टडिंग इन रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लोकेटेड एटलीस्ट 50 किलोमीटर फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। एक और जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है वो ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ स्कूल पढ़ रहा है बच्चा वो अलग है और उसका रेजिडेंशियल अलग है वो अलग है। इसके लिए कंडीशन हॉस्टल सब्सिडी की क्लियर कंडीशन है जो 6 PC में थी अभी सेम है, कि ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसका खुद का रेजिडेंशियल अकॉर्डमेंट है, दोनों मतलब साथ ही होने चाहिए, अलग अलग चाहिए, और वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है हैविंग द रेजिडेंशियल अकॉमोडेशन विच शुड बी 50 किलोमीटर फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए। 50 किलोमीटर कम समय कम डिस्टेंस पे है तो उसको हॉस्टल सब्सिडी का भुगतान नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है कि द रिइंबर्समेंट ऑफ सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी शैल हैव नो नेक्सस विद द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड इन हिज क्लास। मतलब ये है कि अब जो है जो सीए हॉस्टल सब्सिडी है उसका कर्मचारी के बच्चे का उस पर्टिकुलर क्लास में परफॉर्मेंस से कोई संबंध नहीं है, अर्थात यदि बच्चा क्लास में फेल हो जाता है एक बार या अधिक बार फेल हो जाता है तो भी उसका जो रिइंबर्समेंट कर रहे हैं हम सीए उसकी कोई कटौती या उसको स्टॉप नहीं किया जाएगा, उसको देते रहेंगे हम आगे भी। किंतु एक कंडीशन इसमें डाली है कि किसी कई बार कर्मचारी जो होता है वो अपने बच्चे का स्कूल चेंज करता है और हायर स्टैंडर्ड वाले स्कूल में भेजता है, और हायर स्टैंडर्ड वाले जो स्कूल होते हैं वो कम से कम बच्चे को अगले क्लास में ना डाल के सेम क्लास को रिपीट करने होते हैं। अगर बच्चे को अगर क्लास चेंज स्कूल चेंज किया अगर एम्प्लॉय ने, और अगर सेम इसका क्लास में पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी का बच्चा सेकंड क्लास पास कर लेगा स्कूल से, वो दूसरे स्कूल में जाता है हायर स्टैंडर्ड वाले स्कूल में जाता है या किसी और वजह से दूसरे स्कूल में जाता है, वापस वो सेकंड क्लास रिपीट करता है पास होने के बाद,
इसी कंडीशन में जो है उसको सीए का और हॉस्टल सब्सिडी का रिइंबर्समेंट नहीं दिया जाए। अगला पॉइंट ए जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है वाले सर्विस अनफॉर्चुनेटली तो सीए और हॉस्टल सब्सिडी जो है शेल बी एडमिसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ फीस आर चिल्ड्रन सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेंस ऑफ द अदर कंडीशन फॉर इट्स ग्रांट प्रोवाइडेड द वाइफ हस्बैंड ऑफ द दिस इज नॉट एम्प्लॉयड इन सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अटोनस बॉडी एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये है कि कोई यदि कर्मचारी है रेल कर्मचारी है और उसकी अगर सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे को भी उसके बच्चे को जो सीए का जो रिइंबर्समेंट है उसको रोका नहीं जाएगा, उसको कंटिन्यू किया जाएगा जब तक कि वो लड़का एलिजिबल होता है। मतलब कि अगर कर्मचारी जीवित होता तो कब तक उसको मिलता, तब तो उसको मिला दिया जाएगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि अगर उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी कर्मचारी की वाइफ को अगर कंपोशन अकाउंट मिलता है या अगर उसकी वाइफ ऑलरेडी कहीं काम कर रही है तो वो नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली उसकी वाइफ ले लेगी, क्लेम करेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर वाइफ की सीजीए में मृत्यु नहीं हुई है और अगर वाइफ कहीं और काम नहीं कर रही, ऐसी कंडीशन में जब तक अगर कर्मचारी जीवित होता और बच्चे को मिलता उस अवधि तक उसके बच्चे को मिलेगा। बता देता कब तक मिलेगा, मिलता है नॉर्मली तो बच्चे का मिलने की जो लिमिट है जैसा मालूम है कि 20 साल या 12 पास होने तक विच एवर अर्लियर तक उसको मिलेगा। और इसमें और एक बात कही है, द पेमेंट शैल बी मेड बाय द ऑफिस इन विच गवर्नमेंट सर्वेंट वाज वर्किंग प्रायर टू हिज डेथ विद एंड विल बी रेगुलेटेड बाय द अदर कंडीशन। अब इश्यू ये आएगा कि पेमेंट तो मिलेगा, उसके बच्चे को कौन देगा? मतलब जहाँ कर्मचारी मृत्यु से पहले काम करता था वही जो ऑफिस होगा वह सीए और हॉस्टल सब्सिडी का भुगतान करेगा सब्जेक्ट टू जो बाकी कंडीशन जो फुलफिल होती है उस कंडीशन के आधार। आई है अगला क्वेश्चन एल है, इसमें कहा गया है कि अगर कर्मचारी का रिटायरमेंट डिस्चार्ज रिमूवल डिसमिसल अगर सेवा से हो जाता है, यानी कर्मचारी को रेल सेवा से अगर सेवानिवृत्ति मिल जाती है रिमूव डिसमिस हो जाता है तो ऐसे केस में जो सीए और हॉस्टल सब्सिडी का जो भुगतान है उस बच्चे का जो एकेडमिक ईयर है उसके एंड तक मिलेगा। एकेडमिक ईयर जो एंड होता है वहां तक उसको मिलेगा। और सेम कंडीशन जो डेट पर लागू है कि पेमेंट होगा जहां से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है या रिमूव हुआ है डिसमिस हुआ है वही ऑफिस उसको सीए का भुगतान करेगा। अगला एम पॉइंट है द अपर एज लिमिट, जैसे मैंने बताया है कि जो हर उसकी एक एज लिमिट फिक्स की है सरकार ने, दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए जो एज लिमिट है वो 22 साल है, 22 साल तक की इस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान होगा। और नॉर्मल जो चिल्ड्रन है उसके केस में 20 साल है या वो लड़का 12 पास कर लेता है, इन दोनों में से जो भी पहला आता है तब तक सीए का भुगतान किया जाएगा। हाँ, इसमें कोई मिनिमम एज नहीं है। मिनिमम एज का मतलब होता है कि जो बच्चा इनिशियल नर्सरी या 12th में जा रहा है उस केस में कोई मिनिमम एज नहीं है। किसी भी एज में अगर बच्चा नर्सरी में एडमिट हो रहा है एडमिशन ले रहा है तो वहाँ से उसको चिल्ड्रन इंश्योरेंस का भुगतान किया जाएगा। अगला है रिइंबर्समेंट ऑफ सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी शैल बी एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 12th इंक्लूडिंग क्लास 12th एंड 12th हेल्ड बाय द जूनियर कॉलेज और स्कूल एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड। इसमें क्या कहा है कि जो सीए और हॉस्टल सब्सिडी है वो नर्सरी से 12th, नर्सरी का भी डिफाइन किया हुआ है कि फर्स्ट क्लास से पहले की दो क्लास, कई जगह नर्सरी एलकेजी हायर केजी और फर्स्ट एंड तीन क्लास होती वो नहीं चलेगा। क्लियर स्पेसिफाई किया हुआ है जो शायद आगे आएगा कि नर्सरी का मतलब होता है कि फर्स्ट से पहले की दो क्लास से जो होगी वहीं मिलेगा आपको, तो वो नर्सरी से 12th तक मिलेगा। इसके अलावा आपको अगर किसी ने 11th 12th ना करके सीधा जूनियर कॉलेज किया है या फिर जूनियर इंजीनियरिंग वगैरह किया हुआ है डिप्लोमा किया है तो उस केस में भी इनको 2 साल का मिलेगा, बशर्ते उसने 11th 12th का क्लेम नहीं किया हुआ। सी ए इज अलाउड इन केस ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस लर्निंग, मतलब अगर बच्चा कॉरस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पढ़ाई कर रहा है तो उस केस में भी सी ए का भुगतान किया जाएगा सब्जेक्ट टू बाकी कंडीशन के फुलफिल होने पर। द सी ए एंड हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग फ्रॉम 2 क्लास बिफोर, यहाँ क्लियर स्पेसिफाई किया हुआ जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो नर्सरी है नर्सरी का स्पेसिफिकेशन अलग अलग स्टेट में अलग स्कूल में अलग अलग है, यहाँ बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है कि फर्स्ट से पहले की 2 क्लास है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अप टू 12th एंड आल्सो फॉर द इनिशियल 2 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा। अगर डिप्लोमा कोर्स किया है पॉलिटेक्निक आई टी आई इंजीनियरिंग कॉलेज में
उसको भी मिलेगा अगर 10वीं पास के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा एडमिशन किया है, लेकिन कंडीशन वही है कि कर्मचारी ने 11वीं 12वीं का क्लेम नहीं किया। अगर किसी ने कर्मचारी ने 11वीं 12वीं तक का पूरा क्लेम किया है, उसके बाद बच्चा अगर पॉलिटेक्निक में जाता है तो वहां नहीं मिल दिया जाएगा उसको। क्यों है? इन रेस्पेक्ट टू स्कूल इंस्टीट्यूशन एट नर्सरी प्राइमरी मिडिल लेवल नॉट अफिलिएटेड टू द बोर्ड एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द रिइंबर्समेंट अंडर दिस स्कीम मे बी अलाउड फॉर द चिल्ड्रन स्टडिंग इन द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। इसमें ऐसा कहा गया है कि कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे नर्सरी प्राइमरी और मिडिल लेवल की पढ़ाई होती है, लेकिन जो किसी भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से एफिलेटेड नहीं है किंतु वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, तो उसको सीए का भुगतान किया जाएगा। रिकॉग्नाइज स्कूल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये हुआ है कि वो या तो सरकारी स्कूल है या किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन का कोई सरकारी महकमे से वो उसको एड प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर वो स्कूल जो है वो कोई भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी या कोई भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। ऐसी कंडीशन में जो है उसको सीए मिलेगा, चाहे वो किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से एफिलेटेड हो कि नहीं हो, लेकिन वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए किसी भी तरह से। आर में कहा गया है कि इन केस ऑफ दिव्यांग चिल्ड्रन स्टडिंग इन एन इंस्टीट्यूशन दैट इज एडेड और अप्रूव बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हुज फीस इज अप्रूव बाय एनी ऑफ दीज अथॉरिटी चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन पेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी रिइंबर्स इरिस्पेक्टिव वेदर इंस्टीट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए कहा गया है कि वो अगर किसी भी सेंट्रल स्टेट और यूपी एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव है या फिर उनकी फीस को अप्रूव किया गया है या अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं भी हैं तो भी दिव्यांग चिल्ड्रन के मामले में एक थोड़ा छूट दिया हुआ है कि इनको सीए का भुगतान किया जाएगा। लेकिन इन सच केसेस द बेनिफिट एडमिसिबल टिल द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 22। जो भी बेनिफिट है अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो भी देना है दिव्यांग चिल्ड्रन मामले में, लेकिन ये जो लिमिट होगी सिर्फ 22 साल, बच्चा जो 22 साल तक का होगा तब तक ही उसको मिलेगा। अगला पॉइंट है द सीए इज पेबल फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग सिटीजन ऑफ नेपाल भूटान। ये जो है उसमें कहा गया है कि जो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सीए का भुगतान किया जाएगा, इंक्लूडिंग अगर वो नेपाल और भूटान के नागरिक भी हैं, हु आर एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि नागरिक तो नेपाल भूटान के लेकिन भारत सरकार के कर्मचारी और उनके बच्चे वहीं पढ़ रहे हों अपने नेटिव में यानी भूटान नेपाल में पढ़ रहे हैं, किंतु अवर ए सर्टिफिकेट में बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंसर्न इंडियन मिशन दैट द स्कूल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एजुकेशन अथॉरिटी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड। मतलब जहाँ वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो स्कूल सिचुएटेड है वहाँ वो जो है रिकॉग्नाइज होनी चाहिए वहाँ की एजुकेशन अथॉरिटी द्वारा। अगर वो एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वो सर्टिफिकेट देने के बाद अगर जो कर्मचारी जो नेपाल और भूटान के हैं अगर नागरिक, उनको भी सीए का भुगतान किया जाएगा। अगला पॉइंट है द सीए और हॉस्टल सब्सिडी शैल बी एडमिसिबल टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ही शी इज ऑन ड्यूटी और इज अंडर सस्पेंशन और इज ऑन लीव इंक्लूडिंग एक्सटर्नल लीव। यानी ये सीए और हॉस्टल सब्सिडी का जो भुगतान है वो सरकारी कर्मचारी को वो ड्यूटी पर हो, सस्पेंशन में हो या किसी भी प्रकार की छुट्टी पे हो, इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, सभी तरह की छुट्टी में ये सीए का भुगतान किया जाएगा। एक कंडीशन इसमें डाली है वो है प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड विच इज ट्रीटेड एज डाइज नॉन द गवर्नमेंट सर्वेंट शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर द सीए हॉस्टल सब्सिडी फॉर दैट पीरियड। यानी कोई ऐसा अवधि है जिस अवधि को डाइज नॉन माना गया है, ट्रीट किया है, तो उस अवधि के लिए सीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। अब इश्यू आता है डाइजमोन क्या होता है, कौन से पीरियड को हम डाइजमोन करते हैं। तो जहां तक मेरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि कर्मचारी या तो ड्यूटी पर रहता है या सस्पेंशन रहता है, ट्रेनिंग में रहता है या छुट्टी पर रहता है। इसके अलावा एक और मामला आता है जब कर्मचारी अनुपस्थित रहता है यानी एबसेंट रहता है। आपको कैसा मालूम है कि जो एबसेंट पीरियड होता है उसको डाइजमोन हम डीम करते हैं, अदरवाइज वो पीरियड जो है वैकेंट सर्विस काउंट हो जाता है, इसलिए हम टीम उसको डाइजन मान के ही उसको फर्दर हम उस पर एक्शन काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कर्मचारी एबसेंट है, जो कि हमारे रेलवे में मैगजिम ग्रुप डी स्टाफ के साथ होता है कि वो अक्सर एबसेंट रहते हैं, तो मेरा इंटरप्रिटेशन ये है इस पर्टिकुलर पैरा में कि अगर कर्मचारी एबसेंट है तो जितने पीरियड वो एबसेंट रहेगा उतने पीरियड का प्रपोस्ट में सीए और हॉस्टल सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।